जब भी सोनू भाजी को गाना गाते हैं ना, अपना ही गाना एक शो में ऐसा गाया, दूसरे शो में इतनी वेरिएशन के साथ गा देते हैं, फिर तीसरे शो में खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे गाया था। भाजी आप इतना टफ गाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपका हमें गाना, पर आप इतना गाना, आपको मुश्किल चीजें करने में अच्छा लगता है कि आप चाहते नहीं कि आपका गाना कोई और गा के पैसे कमाए? व्हाट इज द रीजन? नेशन वांट्स टू नो। अभी मैं इधर बैठूं, इधर इधर यहां ना। हां जी सर, इधर बैठो। किया इधर नॉर्मल, आपकी मर्जी है, जहां आपका दिल करे। ठीक है, यहां बैठे बैठ सकते हो। बड़े नॉटी हो रहे सोनू भाई आप। अरे बहुत नॉटी है। ऐसे हु क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की गोद में बैठ रहे हो? तुम्हारी गोद में तो नहीं बैठे आकर? जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सोनू पाजी से तो खैर अपने भाई हैं बड़े, मैं मधु जी से बहुत बार मिल चुका हूँ, बड़ा वो वधरीमा जी, और एक तो आपका नाम इतना प्यारा क्लासिकल सा नाम है। मैं कई बार अपना नाम बोलते बड़ 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 हो जाता है। इतना आपको वैसे सोनू पाजी क्या क्या बुलाते हैं? उसके साथ काफी सारे चीजें होती है, पागल, इडियट, इडियट। ये तो मेरे मतलब मैं जब मैं बोलती हूँ इनको। एक्चुअली हम लोग आपको बताता हूँ, 95 में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। अच्छा, इतने टाइम के बाद में तो फिर इंसान एक दूसरे को प्यार से कुछ भी बुलाता है। बुलाता है। हमारे कई नाम है। हाँ, जैसे अर्चना जी अपने हस्बैंड को अर्चना बुलाती, परमीत इनको परमीत बुलाते हैं। मधु जी मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलो क्या है? सच ही बोलो, जो भी है सच बता, बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था। आप ये सीताफल जबकि था नहीं, बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा। हाँ, अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। कि हाँ, पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब वो रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम है, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती हैं? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा चलो, फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मजा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है, ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है। क्योंकि उनके गले का ध्यान रखना होता है। स्टेज पे गाते हैं तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में जाना जरूरी होता है। जब आप स्टेज पे गाते तब आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटा ही कटा। तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। मधु जी सोनू जी आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, जो तुमने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कमीज आजा कपू, इसे ना तमीज कहते हैं। आजा ना भूरी, प्लीज कम हेयर। नहीं नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कपू शर्मा, बजट से निकल। बैठो कपू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना तो उनको तो वो बोलेंगे अच्छी की बात। गेस्ट वो मेरे भाई हैं, गेस्ट तुम मुझे जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। नगमाकार को ये किसे सीख के आई? ये नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबे चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं
मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबे चुरा के ना उसमें फिर पांच छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी? साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं, जोकर होता है। हाँ तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है। ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है, आपको पता? हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली दे गया तो ऐसे कर बोलता है डायन कहीं की, कहता लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। हाँ। यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? तुम सोने की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। रिस्पेक्ट तो बड़ी है, पार्टी में घुस गई वो कहते लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती ओहो, फिर मैं फिर बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो? पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है कुछ नहीं कहता, बकवास करता है। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। काश तुम कुकर होते प्रेशर से ही सही, हमें देख के सीटी तो मारते। तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं क्यों मारूं सीटी? मधु जी आपने देखा, इसे पटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह वाह, ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत अच्छी बात की थी। आप ले लो इसे, दो चार रुपए देके इसे ले लो ये लाइन। चार मतलब सोनू जी यहाँ बैठे कितने रोमांटिक गाने गाएं, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो फिर नहीं ना बदलता रंग वो खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते हैं। अरे वाह, ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले टायर जला के सूंघती है ये। अर्ज किया है काफी जोर से किया है इरशाद। जाड़िया साहब थोड़ा अर्ज कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। दे रहे हैं। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, वेरी गुड। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे, ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मेरा ये क्या है? सही बोले। वाह वाह वाह, अर्ज किया है, वाह वाह करिएगे। हाँ वाह वाह कर देंगे, वाह वाह हमसे हमसे फ्लर्ट होता है हम वही करेंगे। छोटी छोटी रातें होते चुप, छोटी छोटी रातें लंबे हो जाती हैं। वाह, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपके शेर में ये जो रातें लंबी हो रही हैं, हाँ, इस लंबी रात में अगर हम अपनी साली भूरी को डाल दें तो क्या ये भी लंबी हो जाएंगी? वाह जीजू, अरे मेरी रात रह गए अधूरी। अर्ज करना चाहेंगे वावा। पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। झूठा। अरे यार, पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया, इतना रोए हम के आंखों से लूज मोशन हो गया। दीप, दीप। तो आंखों पे डायपर लगाओ आप जाड़िए। आपने डायपर बोले लाए तो मैं भी थोड़ा फेंकेगी। अर्चना जी पकड़ना आप ये शायरी कि तुम्हारे गम में ये कितना रोए। वाह, हाय 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 हाय, तुम्हारे गम में ये कितना रोए कि अपने बच्चे के डायपर भी आंसुओं से धोए। लानत है, मुंह से भी गंदा शेर बोला है। वाह,
अर्ज किया है, मैं प्यासी हूँ। हाँ तो पानी पी के पीछे देख। इसमें कह रहता है शायरी अगर इधर गले में अटक गई ना तो ये लोग ऐसा उल्टा लिटा के मुक्का मारते हैं। क्या हो गया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.